नई दिल्ली सिविक सेंटर के बाहर जो है आम आदमी पार्टी के एमसीडी कर्मचारियों को जो है वेतन नहीं मिला, इसी पे जो हमारे साथ प्रेम चौहान नेता प्रतिपक्ष है, आइए इनसे जानते हैं कि जो है सर आज का क्या प्रदर्शन है। क्या देखिए, प्रदर्शन यही है कि जो कर्मचारी है 3 महीने से अगर उसे सैलरी ना मिले, और वो भी उस समय जब देश का सबसे बड़ा त्यौहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जिसे हिंदू पार्टी कहते हैं अपने आप को, वो अगर है और 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो अब सोचो कि उसके घर में कैसे हालात होंगे। तो हमारी मांग ये है सबसे पहले तो फर्स्ट कि हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक भाजपा आदेश जारी नहीं कर देती है कि इन कर्मचारियों को सैलरी जारी कर दी गई है, या सुबह कर दी जाएगी या शाम को कर दी जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, क्योंकि हमें कर्मचारियों की चिंता है। हम आम कर्मचारी आम आदमी की बात करते हैं, इसलिए हम लोग हमारे सारे पार्षद यहाँ पर डटे हुए हैं। दिवाली के समय है, त्योहारों के समय है, दिवाली छठ पूजा कई सारे त्यौहार आ रहे हैं, और इसमें जो है इस समय कर्मचारियों के हाथ में पैसे न रहना, उसके घर परिवार कैसे किस तरीके चलना, क्या लगता है कि जो है सरकार मानेगी? देखिए, मानना पड़ेगा, और अगर कर्मचारियों की दिवाली नहीं मनती है, कर्मचारी रोड पर बैठे हैं उस गेट पर, तो आम आदमी पार्टी के एक पार्षद उनके साथ यहीं दिवाली मनाएगा, यहीं छठ मनाएगा, यहीं गोवर्धन, यहीं सारी चीज़ें होंगी। जो है ये तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं जो है, मतलब कर्मचारी और जो है उस गरीब लोग के साथ है जो उनके पास आज की डेट में बैंक में ना घरों में पैसे हैं, तो ये जो है क्या लगता है कि जो है जनता आपको मतलब चुनाव में ये बीजेपी वाले को सबक सिखाएगी? देखिए, पैसा अकाउंट में सैलरी नहीं है, पैसा अकाउंट में कर्मचारी के नहीं है, लेकिन भाजपा के पार्षदों के अकाउंट में बहुत पैसा आ गया है, उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके पास बहुत सारे बंगले आ रहे हैं, तो वहाँ पैसा सारा जा रहा है, दुनिया को दिख रहा है, सारी पूरी दिल्ली की जनता को दिख रहा है। आने वाले चुनाव में इसी का बदला लिया जाएगा, और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद नहीं छोड़ा जाएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और इसी व्यवस्था के साथ, इसी पैसे के साथ, इसी टैक्स के साथ इनको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और दिल्ली साफ भी होगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए प्रेम चौहान जी। तो हमने बात की जो है नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान जी से। पार्टी सत्ता में आती है तो जितने भी जिसके भी कर्मचारी को जो है वेतन रुका हुआ है वो वेतन देंगे, आइए कुछ और भी हमसे जानते हैं। सर प्रोटेस्ट का कुछ देखिए, त्योहारों का सीजन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवाली मिलन के प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी इंसानियत, आपकी नैतिकता खत्म हो चुकी है कि आप उस टाइम पे दिवाली की मिठाई कैसे खा सकते हैं जब आपके लाखों कर्मचारियों के बच्चे भूखे सो रहे हैं? आप किस मुंह से दिवाली की दिए जलाओगे जब लाखों कर्मचारियों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे? तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, भारतीय जनता पार्टी की इंसानियत खत्म हो चुकी है, और अब हमारी यही मांग है कि तुरंत कर्मचारियों को तनख्वाह दो, पेंशन को पेंशन दो, नहीं तो इस्तीफा दे दो। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, आपको कोई अधिकार नहीं है लाखों लोगों के जीवन से खेलने का। तो हमारा ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर धरना देते देते अगर जो है आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो आम आदमी जनता के लिए क्या करेगा, जो कर्मचारी है उनके लिए क्या? आम आदमी पार्टी का सत्ता में आने का सबसे पहला काम ये होगा जो भी कर्मचारियों की समस्या है वो हल हो, और दिल्ली के विकास के जो कार्य है, 15 साल से हम दिल्ली में रोक रखे हैं, 15 साल से दिल्ली को बूढ़ा बूढ़ा बना दिया है, वो विकास के कार्य है सुचारू गति से चालू। नॉर्थ दिल्ली 3 MCD है, कुछ 2 MCD में पैसे की कमी भी बताया जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी 3 MCD को एक साथ करके जो है करेगी? या देखिए, पैसे की कहीं पर कोई कमी नहीं है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। 15 साल में एक ही काम हुआ है कि MCD कंगाल हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता माला मालू हमारे टीवी के लिए।